ये नौजवान भाइयों यार क्या करेंगे यार, हम लोग हमारी सेना की एयरफोर्स की यार मार डाले हमारे जवान को यार, हमारे जवान मर गया यार, हम मर जाएंगे यार भारत की। मैं जवान भाई को बोल रहा हूँ यार, हम हमारी 20,000 तनख्वाह है, हम यार क्यों मरेंगे यार। हमें जिसका कम 5 लाख की तनख्वाह है, 2 लाख की तनख्वाह है, वो ऑफिसर लोग क्यों नहीं मरेंगे यार, हम क्यों मरेंगे। सेना के ऑफिसर क्यों नहीं आगे जाएंगे यार, आज कितना मार रहे हैं यार पाकिस्तान लोग हमारी एयरफोर्स को यार, कोई बचाने नहीं आया यार। कुलभूषण जाधव भी वहां पर मर गया, उसको मार डाले मगर कोई बचाने नहीं आया। हमारी रॉ एजेंट जो जाते हैं विदेशों में, हमारी नेता मना कर देते हैं साफ, इन लोग हमारे देश में नहीं है। कसाब को पाकिस्तान भेजा था, उसने मना कर दिया कि कसाब हमारे देश का नहीं है यार। हम जवान 20,000, हमारी घर की यार कौन सुनेगा यार। हम मर जाने के बाद हम जो एयरपोर्ट मर गए, पुलवामा में मर गए यार, पूरा देश खड़ा हुआ है, मगर कौन उसका घर में जाए यार, कौन उसका बहन उन लोग के बहन को शादी करेगा, कौन फ्री में उनके बहन को शादी करेगा, कौन हमारी माँ बहन की इज्जत की रक्षा करेगा यार। हमारे देश में तो सारी MP ML गुंडा है, सारी गुंडा तो इनका दोस्त है, हमारी माँ बहन को कौन बचाएगा यार। हम नहीं रहेंगे यार, हमारी बीबी बच्चे कैसे ये इनके घर में, नेताओं के घर में चक्कर काटते हैं यार, उन लोग कितना मौज करते हैं हमारी माँ बहन के साथ। हम मर जाएंगे तो यार कौन पैसा देगा, पेंशन देगा, किसी को नहीं मिला यार। हमें 20,000 नकली में क्यों मरेंगे यार। हमारा सारी सरकारी ऑफिसर तो पैसा लेते हैं, घूस लेते हैं यार। हमारे देश में तो कोई देशभक्ति नहीं दिखाता है, कोई देश के लिए तो आगे नहीं हो आ रहा है यार। कोई MP ML तो गरीब किसान लोग बनता नहीं है यार, कोई जवान नौजवान हमारे देश में इतनी पढ़ाई लिखाई लेके कोई तो MP ML में नहीं आता है। तो हम क्यों यार मरें यार, हम क्यों मरेंगे यार, हमें कौन बचाएगा, हमारी परिवार को कौन देखेगा। हम तो नौकरी किए हैं 20,000-25,000 के लिए, हमारी बहन की शादी के लिए, हमारे घर में घर नहीं है, खाना नहीं है, इसके लिए हम किसान के बच्चे थोड़ा बहुत पैसे के लिए हम नौकरी किए हैं। तो हम क्यों मरें यार, क्यों हमारे जो छप्पन वाले मोदी वो क्यों आगे नहीं जाएंगे, वो जो देश के प्रधानमंत्री है वो नेता राहुल गांधी फाहुल गांधी क्यों आगे नहीं जाएंगे, सेना की मुखिया क्यों नहीं आगे जाएंगे यार। जब युद्ध होता है तब तो सेनापति आगे जाता है, हमारी आर्मी का चीफ तो 5 लाख लेता है, उनके घर में जो हम लोग कुत्ते जैसे काम कर